अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है कोपिंग स्किल्स एंड सेल्फ केयर फॉर मेंटल हेल्थ। आज इसमें मैं तीन इंपॉर्टेंट एरियाज को फोकस करूंगी जिसको आपको समझने की जरूरत है कि वो कौन सी ऐसी कोपिंग स्किल्स हैं और सेल्फ केयर रूटीन है जो आप यूज करते हुए अपनी मेंटल हेल्थ को बूस्ट अप कर सकते हो। इसमें सबसे पहले है इमोशनल एक्सप्रेशंस, सेकंड जो है वो काम डाउन योर स्ट्रेसफुल इवेंट्स, यानी स्ट्रेसफुल इवेंट कोई भी अगर आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है या किसी स्ट्रेसफुल इवेंट को आप फेस कर रहे हो तो उसमें काम डाउन होने की किस तरह से जरूरत है। थर्ड जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कि प्रैक्टिस सेल्फ केयर रूटीन, यानी आपको अपनी सेल्फ केयर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको सेल्फ केयर मेंटेन करने की जरूरत है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मैनेज इंटेंस इमोशंस, यानी हमें अपने इमोशंस को समझने की जरूरत है, हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमने कब कहाँ किस तरह कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना है। तो इस पॉइंट पे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हमें अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को समझने की जरूरत है और उसको कहाँ पे हमने यूटिलाइज करना है ये हमें एक्सप्रेस करने की जरूरत है। इसमें जो सेकेंड इसी का पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है रिलैक्सेशन, यानी कहाँ पे हमें अगर फील हो रहा है हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो हमें अपना कौन सा एक्सप्रेशन देना है, उसमें हमें रिलैक्स होने की किस तरह से ज़रूरत है, हमें उस इवेंट में ब्रेक डाउन करने की किस तरह से ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम किसी खुशी के इवेंट में हैं या हमारा कोई हैप्पीएस्ट एक्सप्रेशन है तो उसमें हमने किस तरह से जो है उसको यूटिलाइज करना है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो सेकेंड पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है काम स्ट्रेसफुल इवेंट्स, कि हमारी लाइफ बहुत पैथेटिक है, हम डेली बेसिस पे किसी ना किसी तरह की एंजाइटी सिचुएशन को किसी ना किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमने किस तरह से कौन सा एक्सप्रेशन कैसे देना है हमें ये समझने की ज़रूरत है। हम उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो क्विक रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, हमें उस क्विक रिस्पॉन्स में किस तरह से एक हेल्दी रिस्पॉन्स देना है हमें ये समझने की ज़रूरत है। ये हम कैसे समझ सकते हैं अपनी डेली रूटीन में अपने इमोशंस को यूटिलाइज करते हुए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए हम समझ सकते हैं। इसके साथ जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है प्रैक्टिस सेल्फ केयर रूटीन, हमें अपनी सेल्फ केयर को मेंटेन करने की ज़रूरत है। हम जितना अपनी सेल्फ केयर को मेंटेन करेंगे उतना ही हम मेंटली तौर पर रिलैक्स फील करेंगे, उतना ही हम मेंटली तौर पे बूस्ट अप हो सकेंगे। अगर आप अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करते हैं तो ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ मेंटेन होती है बल्कि आप कॉन्फिडेंट आपका बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि अगर आप फिजिकली तौर पे हेल्दी होते हैं, आप अपनी सेल्फ की केयर करते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं जहाँ पे आप किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को फेस कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ना सिर्फ फिजिकली तौर पे बल्कि मेंटली तौर पे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इस ब्लॉग के बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन है, आप उधर से पढ़ सकते हैं। या अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस ब्लॉग से रिलेटेड या मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।